मौसी उठो, पापा मम्मी और नानी के पास ले चलो, गौरी के पास ले चलो, वो रो रही होगी, मुझे सबको देखना है, उनसे बात करनी है। ये शब्द है उन्नाव हादसे में अपनी मम्मी पापा बहन मौसी और नानी को खोने वाले 9 साल के लक्ष्य के, जिसे सुनकर ट्रॉमा के डॉक्टर भी भावुक हो जाते हैं, उसे सीने से लगा लेते हैं और ये समझाकर शांत कराते हैं कि मौसी उठेगी तो तुम्हें लेकर जाएगी, आप चुप हो जाओ। लक्ष्य चुप तो हो जाता है, लेकिन हादसे का मंजर जैसे ही उसे याद आता है तो वह जोर जोर से रोने लगता है। कहता है, हम लोग आगरा में ताजमहल देखकर लौट रहे थे, हम सब गाड़ी में अंताक्षरी खेल रहे थे, सब बहुत खुश थे, लेकिन सारी खुशियां छिन गई, भगवान ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, पापा मेरी जिद पर ही ताजमहल दिखाने ले गए थे, मेरी बहन नानी और मौसी भी चली गई। शुक्रवार दोपहर को उन्नाव के औरास इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिजायर कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है, डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन पर एक्सयूवी कार से टकराकर पलट गई। हादसे में डिजायर कार में सवार बाराबंकी के चित्रगुप्त नगर निवासी दिनेश कुमार राजपूत 35 वर्षीय, उनकी पत्नी अनीता सिंह 32 वर्षीय, बेटी गौरी 7 वर्षीय, साली प्रीति सिंह 28 वर्षीय, साली प्रिया सिंह 23 वर्षीय और बहराइच निवासी उनकी सास कांति सिंह 65 वर्षीय की मौत हो गई थी, जबकि बेटा लक्ष्यवीर 9 वर्षीय, आर्यन 4 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शनिवार सुबह लक्ष्य के भाई आर्यन की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में लखनऊ से वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे एक पेंट कंपनी के डीलर सुभाष अग्रवाल 55 वर्षीय का परिवार बाल बाल बच गया। उनके साथ पत्नी शीला 50 वर्षीय, बेटी पूजा 28 वर्षीय, पौत्री आध्या प्रिशा और पौत्र अनमोल भी था, सभी बच गए। घटना के सभी ईश्वर का नाम लेते रहे। उनकी कार क्षतिग्रस्त होने से उसे थाने में खड़ा कराया गया, दूसरे वाहन से उन्हें घर भेजा गया है।